नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाटिल स्मार्ट टिप्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। मैं आपको ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर बताने जा रहा हूँ, वो बहुत HD और इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे DU रिकॉर्डर आपको सर्च कर लेना है। रिकॉर्डर सर्च करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिकॉर्डर। मैं फर्स्ट नंबर पर क्लिक किया हुआ अभी, तो आप थर्ड नंबर का लीजिए, वो रियल है। प्ले स्टोर पर बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर आपको मिल जाएंगे, लेकिन DU रिकॉर्डर मुझे बहुत बेस्ट लगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो इंस्टॉल हो रहा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तब तक आप मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा इंस्टॉल हो गया है। मेरा MI का मोबाइल इसलिए स्कैनिंग कर रहा है एप्लीकेशन को। यहाँ पे आपको ओपन का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ओपन के आइकन पर क्लिक करते हैं। आ गए हम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को अलाउ कर देना है। आपको अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा। बैक चले जाना है आपको सिंपली, यहाँ पे अलाउ कर देना है, परमिशन मांग रहा है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, इस तरीके का कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखाई देगा, सबको आपको अलाउ कर देना है। मेरे मोबाइल का डार्क मोड चालू है तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे मैं सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद मैं जैसी सेटिंग करता हूँ वैसी सेटिंग आपको एप्लीकेशन में कर देनी है। यहाँ पे ऐड आएंगे, ऐड को आप स्किप कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन चलने लगेगा आपका, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एप्लीकेशन। कमेंट सेक्शन में आप भी बताना आपको भी कैसा लगा एप्लीकेशन, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ जिनका फ्रॉड या स्कैम से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, इस पर मैंने बताया Redmi 9A अनबॉक्सिंग। फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में की है, तो ज़रूर देखना।